छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर एनएसयूआई हमीरपुर जिला इकाई ने गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही इस अवसर पर एमएचआरडी मंत्री का पुतला भी जलाया गया। धरना प्रदर्शन में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और जल्द छात्र हित में काम करने के लिए मांग की। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि कोरोना बीमारी के चलते देश में हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन इस तरह के हालात में सरकार परीक्षाएं लेने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार छात्रों को प्रमोट कर देती है तो छात्रों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी के चलते हालात खराब बने हुए हैं, जिस कारण छात्रों की परीक्षाएं करवाना गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार युवा वर्ग की अनदेखी कर रही है और छात्र वर्ग इससे हराश हो रहा है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो धरना प्रदर्शन के बजाय चक्का जाम किए जाएंगे। टोनी ठाकुर ने कहा कि 7 अगस्त तक सरकार ने समस्या हल करने का समय दिया है और अगर फिर भी छात्र हित के लिए काम नहीं होता है तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी घेराव किया जाएगा। सरकार को इतने ज़्यादा ज्ञापन देने के बाद यूजीसी गाइडलाइन भी पिछले हफ्ते हमने यहाँ पे जलाई थी और आज हमने जो एचआरडी मिनिस्टर है उनका पुतला जलाया है। और आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यालय तक जो है वो कोरोना पहुंच चुका है। जब उनका कार्यालय ही सुरक्षित नहीं है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे सुरक्षित जगह है वो ही सुरक्षित नहीं है, तो जो परीक्षा हॉल है, परीक्षा भवन है, उनकी जिम्मेवारी के मुख्यमंत्री महोदय लेंगे कि वो जो है वो सेफ होंगे बच्चों के लिए, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 4-5 दिनों से लगातार पूरे देश में जो है वो 40,000 के ऊपर जो है लगातार केसेस आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के। तो इस तरह के हालात में जो है वो सरकार जो है वो परीक्षाएं लेने की तैयारी कर रही है, ये सरासर छात्र वर्ग के साथ जो है वो अन्याय है। और कई लोग कह रहे हैं कि इससे जो है वो शिक्षा का स्तर गिर जाएगा, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज से पहले कब छात्र वर्ग ने या किसी छात्र नेता ने ऐसा कहा कि बच्चों को प्रमोट करें? आप लोग बता दें कि आज से पहले कभी किसी छात्र संगठन ने, चाहे एनएसयूआई हो या कोई और, किसी ने कभी कहा कि बच्चों को प्रमोट करें? लेकिन आज इस तरह के हालात पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर है कि हम लोग जो हैं वो खुद को डरी हुई स्थिति में पा रहे हैं। आप लोग जिम्मेवारी ले लें, सरकार जिम्मेवारी ले लें, हम लोग एग्ज़ाम दे रही, लेकिन अभी हालात ही ऐसे हैं कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो सरकार को जो है वो ये समझना चाहिए और छात्रों की जो बात को लगातार सरकार दबाने का काम कर रही है, जो छात्रों की, युवा वर्ग की अनदेखी कर रही है, ये जो है सरकार को बहुत भारी पड़ेगी। और सरकार को जो है वो बच्चों को जो है प्रमोट तो हर हालत में करना ही होगा। अभी ये तो ट्रेलर है, अभी अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो चक्के जाम करने से भी एनएसयूआई जो है वो पीछे नहीं हटेगी। इतनी एक्टिविटी आज तक पहले करे, अब नहीं कर तो अब चक्के जाम और सीएम का घेराव भी होगा। अब 10-15 दिन का समय सरकार को है, क्योंकि 7 अगस्त गाइडलाइन जो सरकार ने दिया है वो 7 अगस्त का जो है वो टाइम दिया है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, फाइनल ईयर्स का। लेकिन अगर उससे पहले ये छात्र को प्रमोट करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लेती है तो उसके बाद हम लोग जो हैं वो सरकार का, मुख्यमंत्री महोदय का घेराव।